पे जो खिलती हैं कहानियां कहता हूं मैं, करड़ी भालू हूं, जंगल में रहता हूं। शाखों पे जो खिलती हैं कहानियां कहता हूं मैं, करड़ी भालू हूं, जंगल में रहता हूं। ना 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 लंगूर भी अंगूर भी है, पंछी और मच्छी भी, काला कौवा, लालू बंदर, एक लूमड़ी झूठी सच्ची भी, और गीदड़ वीदड़, बिच्छू, भालू, सबके अपने किस्से हैं। जंगल है एक, लेकिन इसमें सबके हिस्से हैं। लंगूर भी अंगूर भी है, पंछी और मच्छी भी, काला कौवा, लालू बंदर, एक लोमड़ी झूठी सच्ची भी, और गीदड़ वीदड़, बिच्छू, भालू, सबके अपने किस्से हैं। जंगल है एक, लेकिन इसमें सबके हिस्से हैं। झगड़े, लालच, दोस्ती और नीति समझा दूं, कुछ होने वाली बातें कुछ बीती बतला दूं। ना 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 जब वहां राजा उग्रसेन का राज था। वो दयालु और समझदार था, पर उसका बेटा कंस जालिम और कठोर था। वो जहां भी जाता आतंक फैलाता।
बेटे की करतूतों से बहुत दुखी था। तुम्हारा पिता होना शर्मनाक बात है, बदल जाओ कंस, नहीं तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा। तुम मथुरा के भावी राजा होने के लायक नहीं, तुम्हारे हाथों में मेरा राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। खुद को सुधार लो कंस, वरना। कंस को लगा कि मथुरा हाथ से ना निकल जाए, उसे राजा बनने की जल्दी थी। कुछ सिपाहियों की मदद से उसने अपने पिता को महल की काल कोठरी में बंद कर दिया और कंस राजा बन गया। मथुरा की शान खत्म हो गई। वो रंग बिरंगा खिलखिलाता शहर अब बेरंग और दुखी था। सारे लोग डरे हुए थे, औरतें डर से घर नहीं छोड़ती थीं, बच्चे सड़क पर खेलने से भी घबराते थे। सारे आदमी बेबस होकर कंस की करतूतें देखते रहे। इस बीच राजकुमारी देवकी की शादी यादवों के वसुदेव से हुई। देवकी रिश्ते में कंस की बहन लगती थी। शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आए। कंस भी अपने भारी भरकम जेवर पहन के आया था। शादी के बाद वसुदेव अपनी दुल्हन को ले जा रहे थे कि अचानक महल में एक आकाशवाणी गूंजी। कंस, तुम्हारी मृत्यु निकट है, सावधान, देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस घबरा गया, गुस्से से आग बगुला होकर देवकी की ओर बढ़ा। देवकी डर से कांपी, उसके होंठ थरथराए, वो कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। वसुदेव की बांह पकड़कर उसके पीछे छुप गई। बाहर निकल, मनहूस। कंस ने देवकी को उसके बाल पकड़कर घसीटा और अपनी तलवार निकाली। मैं तुझे ही मार दूंगा देवकी, तो फिर तेरी संतानें कैसे होंगी? हाँ, तेरी आठवीं संतान पैदा होगी तो मुझे मारेगी ना? मरने के लिए तैयार हो जा। रुको रुको कंस, रुक जाओ। वसुदेव कंस के कदमों पर गिर गया। तुम्हारी बहन ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है कंस, उसे मत मारो। तुम्हें आकाशवाणी का भय है ना? मैं अपना हर बच्चा जन्म लेते ही तुम्हें सौंप दूंगा, ये मेरा वादा है। कृपा करो, देवकी को मत मारो कंस। कंस ने अपने पैरों पर पड़े वसुदेव को देखा। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं आकाशवाणी को चुटला दूंगा। मैं देवकी के जन्मे हर एक बच्चे को अपने हाथों से मारूंगा, खासकर उस आठवें बच्चे को। दुनिया देखेगी कि कंस कभी नहीं हार सकता। कंस जोर से हंसा। उसकी हंसी ने सबके दिलों को दहला दिया। अपनी तलवार की नोक वसुदेव की छाती पर रखते हुए उसने कहा, मैंने दोनों की जान बख्शी, पर अपना वादा पूरा करने के लिए तुम दोनों को अपनी बाकी जिंदगी मेरे महल की काल कोठरी में बितानी होगी। सैनिकों, ले जाओ इन्हें।
सिपाहियों ने देवकी और वसुदेव को जंजीरों में बांध दिया और उन्हें काल कोठरी ले गए। उन्हें अंदर धकेला गया और लोहे के बड़े दरवाजे बंद कर दिए गए। कई सिपाही बाहर तैनात थे। खिड़कियां ऊंची थीं और उन पर लोहे की मोटी सलाखें। वसुदेव देवकी को बेबस देखता रहा। वो जोरों से सुबक रही थी। रोना बंद करो देवकी। वसुदेव ने देवकी को समझाया, उसे सहारा दिया। हम आशा नहीं छोड़ेंगे, कोई हमें बचाएगा। शायद वो आकाशवाणी सच्ची होगी और हमारा बेटा कंस को मारेगा। महीने बीत गए। जल्द ही देवकी को एक सुंदर बेटा हुआ। पहरेदार कंस को बच्चे की खबर देने को भागे। कंस की आंखें चमकी, उसका चेहरा तन गया। काल कोठरी के दरवाजे को खोलकर चिल्लाया, कहां है वो वसुदेव? तुम्हारा बेटा कहां है? मुझसे ना छुपाओ, हटो यहां से, मुझे तुम्हारा बेटा दिखाओ। देवकी अपने बच्चे से लिपटी, कांपते हुए वो कंस को देख रही थी। मेरी विनती है भैया, तुम्हें तो बस आठवां बच्चा चाहिए, इस नन्ही सी जान को बख्शो, मैं भीख मांगती हूँ। पर कंस का दिल पत्थर का था। उसने बच्चे को देवकी की बाहों से छीना और उसे मार डाला। इस तरह उस दुष्ट कंस ने एक एक करके देवकी के छह बच्चों को मार डाला। देवकी और वसुदेव का सातवां लड़का एक चमत्कार से वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी तक पहुंच गया। कंस को शक न हो इसलिए उसे बताया गया कि बच्चा मरा पैदा हुआ। अब जब पैदा होगा वो आखिरी होगा। जब खबर आई कि देवकी आठवीं बार पेट से है तो कंस घबरा गया। देवकी और वसुदेव को जंजीरों में कैद कर दिया गया। कंस ने दरवाजे पर और सिपाही रखे और सलाखों को भी मजबूत किया। भविष्यवाणी उसके आगे मंडरा रही थी। दिन भर बेचैनी रहती और रातों को नींद ना आती। उसका कहीं मन न लगता। कई बार अपने कमरे में परेशान टहलता दिखता। दिन में कई बार वो देवकी के बारे में पूछता। आठवें बच्चे को मार के ही मुझे चैन आएगा। आखिर वो दिन आ गया। मथुरा के लोग अपने आने वाले रक्षक की रक्षा के लिए चुपचाप पूजा करते रहे। देवकी और वसुदेव भी प्रार्थना करते रहे कि उनका ये बच्चा भी कंस का शिकार ना बने। श्रावण का महीना था और मुरझाते चांद का आठवां दिन। हवा का हल्का झोंका धरती सहला रहा था। तालाबों में कमल नाच रहे थे, पेड़ फूलों से लदे थे और समुद्र की लहरें जैसे गा रही थी। आधी रात होने को थी। बिजली ऐसी कड़की मानो भयंकर तूफान आ गया हो। फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। काल कोठरी के अंदर
आधी रात गए देवकी का आठवां पुत्र पैदा हुआ। गिर गिर के आए घटा गनाना, पवन करे उन्हें और गहना। गिर गिर के आए घटा गनाना, पवन करे उन्हें और गहना। श्रावण के गहरे तम को छिलकारी गूंजी दुर्गा गाना। पल्ल मिलल ना मुस्काया, मैया के मन को हर्षाया। पल्ल मिलल ना मुस्काया, मैया के मन को हर्षाया। सूरज चंदा से नयन जग जग मगाए करे वदन। मथुरा के आज है भाग जागे, सुने मन को आस लागे। मथुरा के आज है भाग जागे, सुने मन को आस लागे। दिशा विरह और वैन डाकी, हरेगा भोरनव चेत रागी। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, Krishna 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 सुंदर बच्चा है। उसने अपने बंधे हाथों को बेबसी से देखा और कहा, काश मैं इसे गोद में उठा पाता, पर ये जंजीरें। और उसके ये कहते ही चमत्कार, जंजीरें अपने आप खुल गईं, जेल के दरवाजे भी खुल गए। बाहर सिपाही सो रहे थे। जल्दी जल्दी से इसे मुझे दे दो देवकी, मैं इसे हमारे दोस्त नंद के पास गोकुल ले जाऊंगा, ये वहां सुरक्षित रहेगा। देवकी ने बच्चे को कपड़े में लपेटा, चूमा और भीगी आंखों से उसे वसुदेव के सुपुर्द किया। संभाल कर स्वामी। वसुदेव ने जल्दी से बच्चे को एक खाली टोकरी में रखा, सर पर टोकरी लिए सोते सिपाहियों को पार किया। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, पर ये कैसा चमत्कार, सोते बच्चे पर पानी की बूंद भी न पड़ी, मानो कोई अदृश्य छाता उसकी रक्षा कर रहा हो। वसुदेव यमुना के तट की ओर दौड़ा, नदी पार था गोकुल, पर यमुना में तो जैसे बाढ़ थी। वो तूफानी नदी मानो आदर से बच्चे के चरण स्पर्श करना चाह रही थी। फिर अचानक पानी उतर गया, वसुदेव की एड़ियों को सहलाने लगा। यमुना में बने रास्ते से गुजरकर वसुदेव गोकुल पहुंचा।
नंद की पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को अभी जन्मा था। जब वसुदेव पहुंचे, मां बेटी दोनों गहरी नींद में थे। वसुदेव ने टोकरी उतारी और अपना बेटा यशोदा के पास रखा। नम आंखों से उसने अपने बेटे से विदाई ली, फिर यशोदा की बेटी को मथुरा ले गया कंस की काल कोठरी में। जब वो पहुंचा, सिपाही सो ही रहे थे। वसुदेव ने जैसे ही काल कोठरी में पांव रखा, दरवाजे बंद हो गए और उसके हाथों में फिर से जंजीरें पड़ गईं। बच्ची रोने लगी। सिपाही जाग गए और कंस को बताने भागे कि आठवां बच्चा आ गया है। की तरह तेजी से आया। उसने देवकी वसुदेव की एक न सुनी और बच्ची को टांगों से पकड़ा, सर के ऊपर उठाया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि वो उसके हाथों से निकलकर गायब हो गई। कंस देखता ही रह गया। फिर एक आकाशवाणी सुनाई दी, कंस तुम्हें मारने वाला अभी जीवित है। बारिश हुए जा रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली की चमक आसमान को चीरती जा रही है। वो आकाशवाणी मेरे कानों में गूंज रही है। क्या वो सच हुई, जानना चाहते हो? हाँ हुई, पर वो तो दूसरी कहानी है। मुस्काया मैया के मन को हर्षाया सूरज चंदा से नयन जग जग मगाए कर वदन। कृष्ण 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 कृष्ण